मॉर्निंग पीपल एंड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। सो यार चौंकना मत कि मैंने चश्मा लगा रखा है, बिकॉज मैं लगाता हूँ एंड जर्नली राइड वगैरह के दौरान मैं यूज़ नहीं करता, अदरवाइज मैं लगाता हूँ। ठीक है, सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एवरी वन, दिस इज अभिषेक शर्मा। सो भाई ऐसा है कि अपन ने ले ली है नई हिमालयन, ठीक है, और जिसका एक्सेसरी वॉक थ्रू कराने के लिए आपको लेके आया हूँ मैं, और अपनी पुरानी वाली जगह पर लेकर के आए हैं जहाँ पर अक्सर हम जो है वीडियो शूट करते हैं। ठीक है, तो चलो लेकर के चलते हैं आपको अपनी हिमालयन के पास और दिखाते हैं अपनी हिमालयन। सो ये है भाई, ग्रेवल ब्लैक कलर है जो मैंने परचेज किया है, और 10,000 रुपये यार मुझे फालतू पड़ा है, मतलब ये कलर। वैसे जो जर्नल इसके कलर हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये सस्ते होते हैं, मतलब 2.5 के आसपास होते हैं, बट मुझे काफ़ी महंगी पड़ी है भाई। रीज़न जो है उसका वो यही है कि मैं, एक तो कलर है, ऊपर से मैंने पूरा एडवेंचर एडिशन लिया है, लाइक इसके साथ एडवेंचर किट जितनी भी आती हैं वो सारी मैंने बाय करी हैं। कुछ एक्सेसरीज मैंने आफ्टर मार्केट भी इसमें इंस्टॉल करी हैं, जिनका मैं अभी आपको वॉक थ्रू दूंगा, पूरा वॉक अराउंड दूंगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें मैंने करी हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट मैंने इसमें इंस्टॉल करी हैं। ठीक है, सो गाइस बैक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, पहली जो इसकी चीज़ है जो मैंने इसमें इंस्टॉल करी है, या कह सकते हो कंपनी फिटेड आई है, ठीक है, वो है इसकी सैडल स्ट्रेप। ये दो चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इस पर सैडल बैग कैरी करने हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये कंपलसरी है, क्योंकि साइलेंसर में आपका बैग नहीं जाएगा। सेकंड जो ये कंपलसरी है वो है कि अगर आपको पैनियर्स इसमें इंस्टॉल करने हैं तो पैनियर लगा सकते हो, उसमें पैनियर अलग से लेने पड़ते हैं। तो ये जो इसकी पूरी सैडल ट्रे है, अगर आप इसे कंपनी फिटेड मंगवाते हो तो इसमें एक चीज़ का बस फ़ायदा हो जाता है कि आपको ना यहाँ पे देखना कि भाई यहाँ पे ना दो जैक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वो लगा हुआ आता है, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड आता है। तो अगर आप कंपनी फिटेड मंगवाते हो तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे उसको शिफ्ट करके देते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद ही एडवेंचर एडिशन, अगर आप बोल देते हो कि मुझे एडवेंचर एडिशन चाहिए, एवरी एक्सेसरीज ऑफ एडवेंचर आई नीड, सो उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी मॉडिफिकेशन आपको वो करके देंगे। अनदर जो इसमें यार सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कई लोगों से सुन लिया था और वो कराना बहुत जरूरी था, वो था ये गार्ड, इसको बोलते हैं हम मास्टर सिलेंडर गार्ड। ठीक है, ये लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके दो कारण हैं कि अगर आपकी बाइक कहीं पे भी हिट होती है, ठीक है, और वो मास्टर सिलेंडर पे हिट हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान ये पड़ता है कि ब्रेक्स वगैरह जो है वो चलने जो है इसके बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जो है आपके मास्टर सिलेंडर को जो है प्रोटेक्ट करेगा। ये जो है स्टेनलेस स्टील की पूरी प्लेट है, दिल्ली में कई जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी। वैसे मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ इन सबका मैं लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अरे जो इसके बाद वाली चीज़ है यार जो इम्पोर्टेंट थी, वो है ये ऑयल कैप कवर। ठीक है, ये किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट क्या है ना कि क्या कहते हैं, एक एक्सेसरीज का पूरा सेट है तो मैंने सोचा कि इसमें ये भी इंस्टॉल करवा ही लेते हैं। उसके बाद वाली जो चीज़ है यार वो ये है कि ये लेग गार्ड। ठीक है, अब ये लेग गार्ड में ना दो खासियत हैं यार, मैं आपको बताऊं कि लेग गार्ड लगवा लो या फिर क्रैश गार्ड लगवा लो कि बाइक गिरती है तो उससे क्रैश ना हो। यार इतना महंगा मतलब सौदा है ये कि अगर गिरी तो उसके बाद जो है काफ़ी दिक्कत आएगी इसमें, तो इसलिए यार ये एक कंबाइन लेग गार्ड विद क्रैश गार्ड आता है। ठीक है, इसमें फ्रेम स्लाइडर भी है, इसमें इंजन भी प्रोटेक्ट हो रहा है, इसमें लेग्स भी प्रोटेक्ट हो रही हैं। सो ये है भाई, कम से कम नहीं पड़ेगा आपको तो 3,500-4,000 रुपये के आसपास पड़ेगा, बट इसमें 2-in-1 है एक तरीके से, तो लेग्स भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी और इंजन भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद वाली जो चीज़ है यार जो इंस्टॉल करी है ना, वो करी है ये पट्टी। ठीक है, ये देख रहे होंगे मेरे साइलेंसर पे एक पट्टी है। ठीक है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इस पट्टी में जो है कांच होता है। ठीक है, तो ये हेल्प करती है, एक तो आपको पता ही होगा इसका जो साइलेंसर है, ठीक है, जब वो थोड़ा हीट हो जाता है तो डबल कलर में दिखने लगता है। ठीक है, क्योंकि हैवी गाड़ी है, इंजन हैवी है,
तो उसके लिए क्या कहते हैं ना, ये पट्टी लगा ली कि एक तो थोड़ा सा कूल भी रहेगा और दूसरा मतलब डबल कलर का इफेक्ट नहीं देगा बिल्कुल भी। ऑल दो तो इसका कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, बट एक थोड़ी सी ये है कि इंजन का साइलेंसर बिगड़ जाता है, डबल कलर में हो जाता है तो थोड़ी सी शो चली जाती है, इसलिए मैंने इंस्टॉल कर ली है। ठीक है, और भूल करके भी अगर आप ये पट्टी इंस्टॉल करते हैं तो भूल करके भी इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि इस पट्टी में जो है कांच होता है और अगर एक बार खुजली लग गई तो उसके बाद 2-3 दिन तक नहीं मिटती, ऐसा मैं उसने मुझे बोला है जिससे मैंने इंस्टॉल करवाई है। हाथ तो मैंने भी लगा के नहीं देखा क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी खुजली नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई अपनी ये लाइटों पे। ठीक है, ये जो लाइटें हैं ये HJC करके कुछ कंपनी है, मैं प्रॉपर जो है नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, HJC करके जो कंपनी है वहाँ से मैंने जो है ये इंस्टॉल करी है और मतलब काफ़ी महंगी पड़ी यार, 4,500-4,000 रुपये की लाइटें मुझे पड़ी हैं दोनों, लेकिन इन लाइटों का जो रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कहीं से कहीं तक भी ये रोकती नहीं है और काफ़ी दूर तक जाती हैं। ठीक है, दो मोड में ये चलती हैं, मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ इनको। तो ये दो मोड में चलती हैं, एक जो पहला इसका है वो है वाइट मोड और सेकंड जो है इसका है वो है ये फोग लाइट मोड। सो सिंगल लाइट है, ठीक है, और दो मोड में चलती हैं। खासियत इन लाइटों की ये है कि अभी तक मार्केट में इससे बेहतरीन लाइट कह लो या इससे ऊपर की रेंज की लाइट कह लो या क्वालिटी वाइज इससे ऊपर लाइट कह लो अवेलेबल नहीं है। सो जो टॉप की लाइट थी ना इस टाइम मार्केट में अवेलेबल, वो मैं काट के लेके आया और वो मैंने इंस्टॉल करवाई है। सेकंड चीज़, जब मैं एक्सेसरीज़ को इंस्टॉल कर रहा था ना तो मैंने थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन भी लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो बंदा इंस्टॉल कर रहा था उसको भी ये बात बोली, ये मैं ऊपर लगा सकता था, मतलब लाइट जो है ये मैंने उल्टी लगाई है। ठीक है, ये मैं ऊपर लगा सकता था, इसको पलट के लगा सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लगाई मैं आपको बताता हूँ। जब उसने पलट के लगाई ये हैंडल ऐसे जाता था, ठीक है, और जब ये ऑलमोस्ट इसकी हाइट यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है, जब ये गड्ढों में जाती है ना इनफील्ड, तो आपको तो पता बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि इसका सस्पेंशन और इसके चौकर्स इतने हैवी हैं कि नहीं पता लगता कि गड्ढे वड्ढे कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, लेकिन लाइट को पता लगता है क्योंकि लाइट के ऊपर हल्के हल्के स्क्रैच आने चालू हो गए थे तो मुझे पता लग गया कि हाँ ये टक्कर खाएगी, तो इसलिए मैंने इसे पलट के लगवाया। ठीक है, अगली एक्सेसरीज की बात करते हैं भाई, ये हेडलाइट ग्रिल। ठीक है, हेडलाइट ग्रिल मैंने इसमें इंस्टॉल इसलिए करी है ताकि कोई टक्कर वक्कर मार दे तो ज़्यादा मतलब नुकसान ना हो हेडलाइट को और यही यहीं पे रोक ले। तो काफ़ी अच्छा यार स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी है, गेज काफ़ी अच्छा है, मोस्ट प्रॉब्ली तो 5-6 mm का आसपास की प्लेट है जिस पे ये बनी हुई है। इसके बाद यार जो अगली मॉडिफिकेशन है वो है इसकी रेडिएटर की ग्रिल। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, काफ़ी अच्छी हेवी जिसे कहते हैं प्लेट है ये, तो ये लगवाना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर रेडिएटर टूट जाता है तो लंबा खर्चा है। ठीक है, अगर कहीं लगती है या रेडिएटर पे कुछ भी चीज़ आके लगती है तो कम से कम ये प्लेट उसे रोक लेगी। अब इसका एक ड्रॉबैक ये भी है, ड्रॉबैक कह लो या नेगेटिव पॉइंट कह लो ये भी है, कंपनी आपको एक ग्रिल लगा करके देती है। ठीक है, लेकिन वो ग्रिल मतलब इतनी पतली होती है जैसे टीन की चादर जितनी पतली होती है, तो उस ग्रिल पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने वो ग्रिल जो है दूसरे ही दिन हटा दी थी, उसके बाद जो है मैंने ये वाली ग्रिल इसमें इंस्टॉल करी। अनदर जो इसमें यार चीज़ करिए वो करिए इसके हैंडल पे, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हैंडल पे ये दो स्विच है, ठीक है, ये 1-way स्विच है, ये 2-way स्विच है। इसका स्विच का यूज़ क्या है कि ये बॉटम में मैं करता हूँ तो मेरी जो है लाइट जल जाती हैं, सॉरी मैंने चाबी बंद कर दी थी। सो बॉटम में मैं करता हूँ तो मेरी वाइट जलती है, अप मैं करता हूँ तो मेरी फॉग लाइट जलती है, सेंटर में ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद एक ये वाला स्विच है, एक्चुअली में आपको पता होगा सबको कि BS6 वर्जन में जो
जितनी भी BS6 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें ये लोग क्या करते हैं ना कि हेडलाइट जो है वो ऑलवेज ऑन देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैंने ये स्विच यहाँ पे ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है। इससे क्या है कि जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तभी जो है मेरी हेडलाइट ऑन होती है, अदरवाइज नहीं होती। ये एक वाइब्रेटर है, ठीक है, जो इंजन हैंडल को वाइब्रेट होने से रोकता है। और ये सिमटेक का वो है मोबाइल होल्डर है। एक्चुअली में इसमें GPS माउंट जो है वो यहाँ पे लगाने की कोई जगह ही नहीं है। और अभी तक 2021 वर्जन का जो जितनी भी हिमालयन आ रही हैं उनमें अभी माउंट लगाने वाला सिस्टम अभी किसी ने बनाया ही नहीं है, ठीक है। एक एक्सेसरीज और है, ये ऑयल कैप कवर जो रॉयल इनफील्ड की तरफ से है, ये मैंने लगवाई थी इसमें। और कुछ टेपिंग वगैरह जो कि अपनी पुरानी आदत है, एक तो ये मैंने यहाँ पे कंपास का लोगो बनवाया हुआ है। और इस बार मैंने एक्चुअली में कोई पैटर्न वाली लेमिनेशन नहीं करवाई, इसमें मैंने स्मोक करवाई हुई है, इस पे करवाई है, एक वाइज़र पे करवाई है और एक जो है आगे मैंने इस वाली प्लेट पे लगाई है। तो इस बाइक का नाम मैंने रखा है धूमकेतु, और बिल्कुल जो फॉन्ट हिमालयन वालों ने यूज़ किया था उसी फॉन्ट में मैंने ये डिज़ाइन किया है, ठीक है। सो यही सब था यार, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम गया। निलोंग वैली की राइड से मैं लौटा था, तो निलोंग वैली की राइड के बाद आज जाकर के मौका मिला कि भाई एक वॉक थ्रू बना लिया जाए एक्सेसरीज़ का। सो बाइक लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन हो गए हैं, परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 है। थोड़ी चेन वगैरह ढीली है, थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि रीवर्क की हल्की बहुत ही नीड है, वो जाकर के रॉयल इनफील्ड सर्विस में हो जाएगा जब होगा। अभी के लिए एंजॉय करो यार इस बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स, और उसके बाद बताना कि कैसी लगी आपको बाइक, कैसी नहीं। एक तरीके से बिल्कुल यार ये फ्रेश जो है बाइक है। चलो मिलेंगे आपसे यार एक नई वीडियो में, एक्सेसरीज़ के बारे में बताना कि आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी। परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी कैसी नहीं। प्राइस मैं एक लमसम मेंशन कर दूंगा, प्राइस का ऐसा है कि यार थोड़ा सा ना इशू है, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस का इशू क्यों है। जब मैंने मतलब वीडियो वगैरह देखी थी, मैंने कई वीडियो देखी थी प्राइस से रिलेटेड कि भाई ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, और जब एक्चुअली में मैं उन चीज़ों को लेने पहुँचा, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे 30% से 40% हाइक मिली प्राइस में। सो प्राइस के लिए मैं कंफर्म नहीं करूँगा, मैंने जो चीज़ जितने में लगवाई है मैंने वो मैं मेंशन कर दूँगा। बट आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस का बिल्कुल भी स्टिक मत रहना है यार, कि ये चीज़ आपने वीडियो में बता दी मैंने तो इतने की लगवाई है, बताओ कहाँ मिलेगी। सो भाई इसकी एक्सेसरीज़ के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि मैंने भी जिस वीडियो को देख के कहा था, अगर मैं लमसम आइडिया बताऊँ तो मैंने 5,000 रुपये मैं सोच करके गया था, मेरे लग के आ गए 8,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे मत मतलब वो करना, चले जाना एक्सेसरीज़ को पहले ट्राई कर लेना, कहाँ आपको सस्ती मिल रही है वहाँ लगवा लेना, ठीक है। तो चलो मिलेंगे आप लोगों से एक नई वीडियो में, और बहुत जल्द मिलेंगे, और जल्दी ही इस पर एक राइड प्लान है और उस राइड के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, वो घंटा आ रहा होगा उसको दबा देना, ठीक है। चलते हैं।